हेलो दोस्तों, आज से हम अपने रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और आज का वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिया गया है और केवल 10 ही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन है सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन ए सेकेंड, बी डेसिबल्स, सी हर्ट्ज, डी मीटर। इसका राइट आंसर है मीटर। नेक्स्ट है हमारा, द बॉन्ड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स, प्रकाश बीम के रंगीन घटकों के बंधन को कहा जाता है। ऑप्शन है एकोमोडेशन, बी रेंज, सी स्पेक्ट्रम, डी थ्रोम। इसका राइट आंसर है स्पेक्ट्रम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ टोटल एनर्जी, किसी वस्तु की कुछ गतिज और संभावित ऊर्जा उसकी कुल ऊर्जा है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी थर्मल। इसका राइट आंसर है बी मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता किस में? स्टील में, बी एयर में, सी वैक्यूम में, डी वाटर में। सी, इसका राइट आंसर है सी वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइल्ड शैम्पूज आर प्रिपेयर्ड विथ, हल्के शैम्पू के साथ तैयार किए जाते हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट, नेक्स्ट है कैटायनिक सर्फेक्टेंट, सी है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, डी है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। इसका राइट आंसर है एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट कैजियम, ऑप्शन ए सीएम, ऑप्शन बी सीएस, ऑप्शन सी सीए, ऑप्शन डी सीयू। इसका राइट आंसर है सीएस, बी ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए रिएक्शन, अम्ल और क्षार के बीच लवण और जल देने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी डबल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी कम्बस्टन, ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक। ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम फॉर वाटर इज एच ओ, पानी के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, एच ओ का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 1:4, ऑप्शन डी 2:1। इसका राइट आंसर है डी 2:1। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्व इनटू ए डल थ्रो ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड, तीव्र परिवर्तन के माध्यम से लार्वी का वयस्क में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी मेनोपॉज, ऑप्शन सी मेटाफोर्सिस, ऑप्शन डी बडिंग। इसका राइट आंसर है सी मेटामॉर्फोसिस। दसवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इज इन द ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 44। इसका राइट आंसर है 46। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ऐसे के साथ।